तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे को इंट्राडे कल करना है तो आज हम स्टॉक को सेलेक्ट करके कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने को, ये गूगल खोल के रखा मैंने, तो यहाँ पे आप टाइप करिए इन्वेस्टिंग डॉट कॉम। उसके बाद में ये देखिए ये आया स्टॉक मार्केट कोर्स एंड फाइनेंस, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको जाना दोस्तों, यहाँ पे देखिए टूल्स है, टूल्स के अंदर नीचे आइए और यहाँ पे देखिए स्टॉक स्किनर करके लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करना आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आइए नीचे और यहाँ पे लिखना अपना जो यूनाइटेड स्टेट करके लिखा है ना, यहाँ पे आपने को इंडिया करना है। ये इंडिया कर दिया मैंने। इंडिया करने के बाद में यहाँ पे जो ऑल एक्सचेंज लिखा है, यहाँ पे NSE कर दीजिए। अगर आप BSE में करते हो तो BSE कर दीजिए। ये करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना सारा ऑप्शन दिया है, तो अपने को सबसे पहले प्राइस में जाते हैं। प्राइस में जाने के बाद में दोस्तों अपने को रेंज सेलेक्ट सौ करना रुपये से है, 500 चाहिए या 1000 रुपये से 2000 चाहिए। तो हम यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं 300 रुपये से, यहाँ पे कर लेते हैं 2500 रुपये। तो इसके बीच में ये सारे स्टॉक आ गए, अभी जितने भी ये नीचे हैं ना सारे इसके बीच का है, 300 से लेके 2500 के बीच में। अभी दूसरा क्या करना दोस्तों, डेली चेंज। डेली चेंज में दोस्तों 2 से 3% होता है ना, वही करना अपने को। तो मैं यहाँ पे 3% कर लेता हूँ और ये -3 है और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो मतलब -3% जो ओपन डेली ऊपर नीचे होता रहता है ना, उसका मतलब यही होता है ना। उसके बाद में अपन बात करेंगे वॉल्यूम का। यहाँ पे लिखा है ना वॉल्यूम एंड वॉलीटिलिटी, तो यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सबसे पहले वॉल्यूम में जाएंगे। वॉल्यूम में जाने के बाद में यहाँ पे अपन मिनिमम 500 के और ऊपर का रहने दो, वो कितना भी है अपने को अच्छा है, बेनिफिट है अगर ज़्यादा बनता तो। ये हो गया। उसके बाद में फिर वॉल्यूम के अंदर ही प्राइस, ये वॉल्यूम एंड वॉलिटी है ना, यहाँ पे अभी बेटा में जाएंगे। बेटा में जाने के बाद में यहाँ पे दोस्तों जो लगभग 2% का मूव करता है ना, जैसे ये 2% ऊपर नीचे हो सकता है, इधर माइनस कर दिया और इधर प्लस 2 कर दिया मैंने, तो ये 2% ऊपर या नीचे जाने वाला स्टॉक मिल गया अपने को, है ना। ये देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा मिल गया है ना। अभी अपना क्या हो गया दोस्तों, प्राइस भी सेलेक्ट हो गया 300 से 2500 के बीच में। अभी डेली चेंज 3% से, ये 3% होता है, -3 से 3%। वॉल्यूम हो गया अपने 500 के से ऊपर का कितना भी जाने तो अपने को अच्छा रहता है। बेटा हो गया दोस्तों, ये निफ्टी के साथ में कर लीजिए आप, जैसे निफ्टी 2% होता तो ये भी 2% होता है, ऐसा कुछ समझ लीजिए आप। इसके बाद में अपने को मार्केट कैप, तो इसके लिए फंडामेंटल में जाएंगे, यहाँ पे मार्केट में जाएंगे। इसमें भी दोस्तों मिनिमम आप 500 के रख लीजिए, तो इससे क्या बेनिफिट होगा अपने को, ज़्यादा ये पेनी स्टॉक नहीं आएंगे। ये हो गया अपना, ये स्टॉक बन के अभी रेडी हो गया दोस्तों, स्किनर बन के। अभी क्या करना दोस्तों, इधर पूरा का पूरा स्कैनर का रिजल्ट दिया हुआ, अभी 128 स्टॉक्स आए अपने पास में। अभी इसके अंदर आप देखना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल दिया हुआ, पूरा का पूरा जितना स्टॉक आया सबका मार्केट कैप कितना, पूरा का पूरा दिया है, पी रेशियो कितना, रेवेन्यू कितना हुआ, एवरेज कितना है, EPS कितना, बेटा कितना, डिविडेंड कितना दिया, डिविडेंड पूरा का पूरा डिटेल आ गया। उसके बाद में आ गया टेक्निकल, यहाँ पे देखिए टेक्निकल है पूरा का पूरा, बाइंग चल रहा है, सेलिंग चल रहा है, पूरा का पूरा है। उसके बाद में आ गया परफॉर्मेंस, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया रहता है दोस्तों कि 1 मंथ पे कितना हुआ, एयरटेल डेट तक कितना हुआ, 1 ईयर में कितना हुआ, 3 ईयर में कितना हुआ। देखिए रिलायंस का 3 ईयर्स का 62% है और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा दिया है, SBI का 218%। इसके नीचे जाइए, जो जो होता है वो दिखा देगा आपको। यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स ने 402% का दिया है। उसके आगे नीचे जाइए, यहाँ पे देखिए चोलामंडलम ने 608% का रिटर्न दिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए 608%, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। इसमें दोस्तों आप पूरा का पूरा जैसा आपका चॉइस है वैसा सेलेक्ट कर सकते हो। अभी आगे का दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न, यहाँ पे क्लिक किया ना तो दोस्तों आपको जो अभी फॉर्मेट रनिंग में कौन सा फॉर्मेट हुआ पूरा का पूरा दिखा देगा। देखिए इन्वर्टेड हेमर हुआ सनफार्मा में, ये एडवांस ब्लॉक बेरिस, ड्रैगन फ्लाई बेरिस, SBI लाइफ इंश्योरेंस में, इसमें एक हैंगिंग मैन भी हुआ, डोजी स्टार बेरिस, ये पूरा का पूरा कैंडल, हरामी बुलिस, हरामी बेरिस, जो होता है सारा का सारा कैंडल स्टिक कौन सा बन रहा है। नीचे इवनिंग स्टार भी दिखाया, देखिए। तो अगर आप कैंडल स्टिक के हिसाब से ट्रेड
ट्रेंड लेना चाहते हो तो वो भी पूरा का पूरा दिखा देता है। अभी चलते हैं अपन टेक्निकल में। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना अपने को, अगर सपोज सेलिंग का करना तो देखिए इंफोसिस अभी पूरा का पूरा सेलिंग में चल रहा है, 15 मिनट में सेलिंग, और हावर्डली में सेलिंग, डेली में सेलिंग, वीकली में सेलिंग और मंथली में सेलिंग। ऐसे अगर बाइंग बाइंग साइड में जाओगे तो देखिए लार्सन एंड टर्बो 15 मिनट में बाइंग, हावर्डली में बाइंग, डेली में बाइंग, वीकली में बाइंग और मंथली में बाइंग। तो ऐसे स्टॉक ढूंढना, तो अभी इसमें बहुत सारा स्टॉक है दोस्तों, है ना, 128 है। तो अभी क्या करना अपने को, सबसे पहले इस शीट को डाउनलोड कर देते हैं। जो भी ये रिजल्ट आया ना, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये मैंने डाउनलोड कर लिया, अगर आप चाहो तो इसको सेव भी करके रख सकते हो दोस्तों, है ना, यहाँ पे सेव कर लीजिए अगर चाहिए तो आपको। मैंने सेव करके रखा इसलिए नहीं किया मैंने, आप चाहे तो सेव कर लीजिए। जब भी आप इसमें साइन इन होना पड़ेगा इन्वेस्टिंग डॉट कॉम में, आपका अगर आईडी नहीं है तो आईडी बना लीजिए, उसके बाद में आप जो भी स्कैनर बनाते हैं ना उसको सेव कर सकते हो अपने, और जब कभी भी आपको जरूरत है उसको ओपन किया, जैसे ही आपने साइन इन किया आपका जाके सीधा आपका स्कैनर पे ओपन कर लीजिए, और वहाँ से जो जो स्टॉक है उसको आप यूज कर सकते हो। तो अभी डाउनलोड हो गया अपना, ये डाउनलोड होते ही अभी चलते हैं एक्सेल में, ये ओपन हो गया है ना। अभी देखिए यहाँ पे इतना है ना, तो इसको सबको फिल्टर लगा के अपन कम कर लेंगे। अभी दोस्तों क्या करना अपने को, इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, सेलेक्ट कर लिया मैंने पूरा का पूरा। अभी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या करना अपने को, डेटा में जाना, डेटा में जाने के बाद में फिल्टर लगा दीजिए। फिल्टर लगाने के बाद में यहाँ पे अभी 15 मिनट है ना, तो यहाँ पे आप खाली बाइंग का रखिए, सबको हटा दीजिए, जैसे स्ट्रॉन्ग बाइंग और स्ट्रॉन्ग सेल, इसको ओके कर दिया। ऐसे ही आप हावली पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद में स्ट्रॉन्ग सेल स्ट्रॉन्ग बाइंग ओके। फिर आप डेली पे जाइए, इधर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग और स्ट्रॉन्ग सेलिंग को रखिए। उसके बाद में वीकली में जाइए, यहाँ पे भी आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बाइंग ने स्ट्रॉन्ग सेल ओके है, इसको हटा दिया मैंने, खाली इसको दो को ही रखा ओके। इसके बाद मंथली में जाइए, मंथली में सबको हटाने के बाद में स्ट्रॉन्ग बाई और स्ट्रॉन्ग सेल ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में देखिए दोस्तों अभी कितना स्टॉक आया आपके पास में, सिर्फ 5-6 स्टॉक आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक आया। अभी देखिए इसमें ये वाला पूरा का पूरा सेलिंग का दिख रहा है आपका, है ना, ये स्टॉक देखिए, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे सेल, यहाँ पे ये बाइंग हो गया, तो ये नहीं लेना, ये सेल हुआ नहीं लेना अपने को, खाली बाइंग साइड का। जैसे ये मिला एक HDFC लेक, ये बाइंग का है, और ये वाला ये नहीं है सेलिंग का, कौन सा पूरा का पूरा सेलिंग वाला ये है। तो अभी देखिए अडानी टोटल गैस पूरा का पूरा इसमें कितना है, लास्ट में वीकली और मंथली में बाइंग आ गया, तो अपने को दो स्टॉक मिला दोस्तों आज, है ना, एक तो बाइंग साइड में HDFC लाइफ और सेलिंग साइड में अडानी टोटल गैस। तो अभी दोस्तों क्या करते हैं, हम चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहां पे देखते हैं दोनों स्टॉक्स को। तो दोस्तों यहाँ पर आ गए ट्रेडिंग व्यू में, ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद में यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ HDFC लाइफ, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये देखिए ये खुल गया अपना HDFC लाइफ। अभी देखिए यहाँ पे ट्रेड करने के क्या है दोस्तों, जब भी मार्केट सपोर्ट के पास में आता है ना, आपको बाइंग ही करना दोस्तों, है ना। यहाँ पे देखिए सपोर्ट आया, यहाँ पे बाइंग हुआ, मार्केट ऊपर गया, HDFC लाइफ यहाँ पे सपोर्ट हुआ, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ से ऊपर गया, है ना, ये जैसे ही रेसिस्टेंस को थोड़ा ऊपर गया, तो ये ध्यान रखना अभी रेसिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, जैसे ही ऊपर निकले अपने को बाइंग करना, या फिर यहाँ पे सपोर्ट के पास में यहाँ पे आए ना, तो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बने यहाँ पे बाइंग कर लीजिए आप, है ना, तो ऊपर ही जाएगा मार्केट, मतलब बाइंग का ये यहाँ पे देखिए इसका ट्रेंड अप है, इसलिए जब भी सपोर्ट के पास आता है बाइंग करिए, और रेसिस्टेंस को तोड़ता तो भी बाइंग करिए। अप ट्रेंड का दोस्तों यही रूल्स है कि कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स हो, जब भी सपोर्ट के पास में आता है ना आप बाइंग कर लीजिए दोस्तों, है ना, और रेसिस्टेंस तोड़ता तो वहां पे भी बाइंग ही करना अपने को। जो रेसिस्टेंस था पहले ये वाला भी सपोर्ट बन गया, समझ गए ना, पहले इस रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकआउट किया था वहां पे सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर चला गया। तो जब भी सपोर्ट के पास में अगर नीचे आए ना, तो वहां पे अपने को बाइंग करना अपसाइड के अंदर दोस्तों, ये बात ध्यान रखना आप, चाहे स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो कोई भी, बस इतना ध्यान रख लेना। तो आपका अगर अप ट्रेंड आपको मालूम चल गया कि अप ट्रेंड है स्टॉक्स या इंडेक्स का, तो वहां पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना दोस्तों, सेलिंग का नहीं ढूंढना, है ना।
अभी दूसरा स्टॉक आया था अपना अडानी टोटल गैस है ना, अडानी टोटल, अडानी टोटल ये आ गया। अभी इसमें देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ से सेलिंग चालू हुआ, जैसे ही ये है ना, इसको ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही ये देखिए यहाँ पे इसका सपोर्ट बना हुआ था, इस सपोर्ट को तोड़ा, वापस गया नीचे, और वापस देखिए रिट्रेसमेंट लेने के लिए भी आया, रिट्रेसमेंट जैसे ही लेता वापस आप सेलिंग कर दिए, बस ये ध्यान रखना दोस्तों, और कुछ नहीं आप है ना, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक्स अगर बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो सपोर्ट को जैसे ही तोड़े ना, वहां पे आप सेलिंग कर दीजिए या पी बाइंग कर लीजिए अगर आप ऑप्शन में करते हो तो, और वापस जैसे रिट्रेसमेंट लेके जो पहले सपोर्ट बना हुआ था ना, अभी वो रेसिस्टेंस बना का, वहां से वापस सेलिंग कर दीजिए आप। तो यही रूल्स ध्यान रखना दोस्तों, अगर डाउन ट्रेंड में हो तो जैसे ही वो सपोर्ट पहले था ना, सपोर्ट बना हुआ था उसको तोड़ा, वहां पे वह गया तो अभी वो रेसिस्टेंस बन गया, तो जैसे यहाँ पे आया और बेरिश कैंडल बना दी कि यहाँ पे आपने यहाँ पे सेल कर दिया होगा, तो इतना बड़ा आपको प्रॉफिट मिल गया है ना, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अच्छे से समझा दिया है आपको स्टॉक स्किनर कैसे बनाते हैं आप इंटरडे में, अगर आपको नेक्स्ट डे बाइंग करना हो तो है ना, एक दिन पहले ही ढूंढ के रख लीजिए आप सपोर्ट रेसिस्टेंस सारा ड्रॉ करके रख लीजिए, जैसे ही मार्केट खुले अपसाइड में अगर स्टॉक है तो अपसाइड वाला ले लीजिए, अगर सेलिंग में तो सेलिंग साइड वाला आप स्टॉक ले लीजिए, और आराम से अपना जो भी प्रॉफिट आपने रखा है 2% 1% जो भी मिलता है लेके निकल जाइए बाहर, है ना दोस्तों। तो ये मैंने पूरा स्किनर समझा दिया दोस्तों आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।